के बाद भी सप्लीमेंट्री रह गया नहीं, ये सफाई तो है ही नहीं। अगर इतनी इतना कुछ हो गया होता बिहार में तो मैं नहीं समझता हूं हो रहा है जो बताया गया आपको। नहीं ठीक है, अगर इतना हो गया रहता तो हाईकोर्ट को यह नहीं कहना पड़ता कि बिहार के सरकारी अस्पताल पशु चिकित्सालय से बदतर स्थिति में। यह हाईकोर्ट का टिप्पणी है, मेरी टिप्पणी नहीं है। सुप्रीम कोर्ट को हलफनामा देकर यह नहीं मांगना पड़ता बिहार सरकार से, मैं अपनी स्वास्थ्य सेवाओं के बारे में आप हमको एक सप्ताह में पूरा पूछ रहे ना, क्या पूछना चाहते? मैं पूरा की पूछ रहा हूं, ये बातें माननीय मंत्री जी ने हाईकोर्ट का मामला सदन में थोड़े कोई चर्चा ना, कोई नहीं करेगा। और जो चिकित्सा का व्यवस्था है कहते हैं पशुपालन का, इतना बड़ा बिहार में चिकित्सा व्यवस्था है और हॉस्पिटल सब एक पर एक है, अब कहां माननीय सदस्य देखते हैं पता है। मैथिली में कहिएगा तब न समझेंगे। मैंने कल माननीय मुख्यमंत्री जी को भी सुना, मैंने कल सरकार के वक्तव्य को भी विधानसभा में देखा सुना और माननीय मुख्यमंत्री जी को भी सुना। अभी मंत्री जी ने जो कहा है और मुख्यमंत्री जी ने जो कल कहा है उसमें भी कंट्राडिक्टी चीजें हैं। मुख्यमंत्री जी कहते हैं कि अगर मैं एसकेएमएस हॉस्पिटल अगर पहले गया होता, मैं पहली बार गया, मैं 14 साल से सीएम हुआ तक नहीं गया था, तो और सुधार करने के मैं कैपेबल होता। और आप कह रहे हैं कि उस हॉस्पिटल में तमाम वो चीजें मुहैया हैं जो उन गरीब लाचार मासूम बच्चों के इलाज के लिए सफिशियंट है, तो यहां कंट्राडिक्टी चीजें हैं महोदय। मेरा मानना है अब कोई घटना हो जाती है, सैकड़ों की संख्या में बच्चे मौत के शिकार हो गए इलाज के अभाव में, या मौसम के बारे में कहा जा रहा है कि उन्होंने लीची के बारे में कहा, केंद्र के स्वास्थ्य राज्य मंत्री ने कहा कि नहीं हमारा पूरा तंत्र चुनाव में लगा हुआ था इसलिए हम जागरूकता नहीं फैला पाए, और यहां पर लंबे लंबे दावे किए गए हैं, कितना पंपलेट बांटा गया, कितना माइक से प्रचार हुआ, तो ये कंट्राडिक्टी चीजें बंद करनी चाहिए। ये शुद्ध रूप से राजनीतिक नहीं, ये मानवता का प्रश्न है। अगर माननीय मुख्यमंत्री जी 14 साल से राज्य के मुख्यमंत्री हैं और इन 14 वर्षों में सारे 12 वर्ष तक श्रीमान मंगल पांडे जी के पार्टी के लोग ही स्वास्थ्य विभाग के मंत्री होते रहे, तो क्या हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर बिहार में आपने डेवलप किया है, इस पर गौर करिए। ठीक है, बैठिए। आधे से अधिक डॉक्टरों के पद रिक्त क्यों है महोदय? डॉक्टरों के पद आधे से अधिक रिक्त क्यों है बिहार में? नहीं सुनिए, डॉक्टरों के पद रिक्त क्यों है? अगर एक घंटा तक मैंने सुना है और 5 मिनट आप प्रश्न नहीं पूछने देंगे तो मैं समझता हूं अच्छी बात नहीं है। आप चाहते हैं मोदी वापस बैठ जाइए? नहीं नहीं, बैठिए रविचंद्र, आप बैठ जाइए, आप बहाल कर दीजिए, विपक्ष को बहाल करिए, तमाम चीजें करिए। मैंने जो प्रश्न है उन प्रश्नों के उत्तर देने चाहिए सरकार को। अच्छा ये बैठिए, आप लोग आपके पास भीड़ है, आप भीड़ से आप बैठिए, विपक्ष को दबाना चाहेंगे, बैठ जाइए, ये नहीं चलेगा, बैठ नहीं चलेगा, बैठ जाइए, बैठिए, आप लोग बैठिए ना, महोदय का ध्यान आकर्षण है, बैठिए ना। कितने बैठिए, कितने व्यय में व्यय बैठ जाए, बैठिए ना, सुन तो लीजिए यार, ऐसे मामलों में पॉलिटिक्स क्यों करते हैं आप, ऐसे मामलों में पॉलिटिक्स। महोदय माननीय मुख्यमंत्री जी कृपया बैठ जाए, प्रश्नकर्ता को पूछने दें, कृपया जल्दी एक मिनट में समाप्त कीजिए। हजारों डॉक्टरों के पद रिक्त क्यों है बिहार? ये कौन सा इंफ्रास्ट्रक्चर है? आपका नीति आयोग का इंडेक्स ने कहा कि 21 में 20वें राज्य पर हेल्थ सेक्टर में बिहार है, यह आई ओपनर नहीं है क्या बिहार के लिए? हम गुड गवर्नेंस का दावा करते हैं, रूल ऑफ लॉ का दावा करते हैं, यह गुड गवर्नेंस है जहां अस्पताल में डॉक्टर नहीं है, हमारे पास कोई उपकरण नहीं है, दवाइयां नहीं है, नर्सिंग स्टाफ नहीं है, आप कहते हैं गुड गवर्नेंस है, हमने तमाम चीजें कर ली है। अगर तमाम चीजें की है इतने बच्चों की मौत क्यों हुई? बैठ जाइए। नहीं सर, नहीं सर, एक मिनट सुनिए महोदय, कितने बेड का आईसीयू बनेगा, कितने बेड का आईसीयू बनेगा, सुनिए महोदय, कितने बेड का आईसीयू बनेगा, कितने बेड का अस्पताल बनेगा? मैं समझता हूं इससे बड़ा महत्वपूर्ण यह विषय है कि हर साल जून महीने में मुजफ्फरपुर और उस एरिया में यह बीमारी क्यों होती है गरीब बच्चों को, यह बड़ा प्रश्न है। बैठिए। और मैं महोदय बैठ जाइए महोदय, मैं पॉलिटिकल बात नहीं कर रहा महोदय,
جو بہار سبھا لوگ بیٹھے ہیں اس پر بات کرنا چاہتا ہوں. بیٹھ جائیے. اور اگر پانچ منٹ سننے کا دھیرے نہیں ستا پکش کو تو میں سمجھتا ہوں یہ انفارچونیٹ پارٹ ہے. بھائی آپ بول لیے پانچ منٹ سے زیادہ بول لیے. میں مجھے بولنے کا موقع ہو گیا. ایک گھنٹہ تو پڑھتے رہے ماننے منتری. ان کو یہ بتانا پڑے گا کہ اتنے تمام ویوستھا کرنے کے باوجود اتنے بڑی سنکھیا میں بچے ہر سال کیوں مر رہے ہیں اور آخر ہم کب تک ان بچوں کی موت کو دیکھتے رہیں گے. ہم مکھیہ منتری کے لیے پردھان منتری کے لیے گرمی میں جب میٹنگ میں عام سبھا ہوتی ہے تو منچ پر اے سی لگا دیتے ہیں, ایئر کولر لگا دیتے ہیں. کیا جون مہینے میں مظفر پور میں گاؤں میں ہم کولر نہیں لگا سکتے ہیں؟ یہ کہتے ہیں کہ غریب بچوں کی شکار گرمی کے اور گرمی کے شکار ہو گئے. سنیے آپ کو یہ بتانا پڑے گا سرکار کا کام یہ نہیں ہے. اگر کوئی سرکار اب بیٹھ جائیے. ارے ایسا مت کریے, برداشت کریے. ان پھر سے آپ بیٹھیے. بہار کے پرائم منسٹر جی بہار میں مہوگئے آپ کی آپ کو پرشن پوچھنا تھا, بھاشن نہیں دینا تھا. پوچھ رہا ہوں کیا آخر آخر سے جواب نہیں طے ہوگی کہ نہیں ہوگی؟ آخر آخر اتنے بڑے گھٹنا کے بعد بھی کوئی جواب نہیں طے ہوگی؟ کیا مکھیہ منتری جی یا سواستھیہ منتری سواستھ وبھاگ کی کوئی ذمہ داری نہیں ہے؟ پرشن نہیں دینا ہے پرشن پوچھنا ہے. آپ کیا کریں؟ آپ کارروائی میں نہیں آئے گی. آپ نہیں مانے گا صرف یہ جاننا چاہتا ہوں. نہیں کی بات کارروائی میں نہیں آئے گی. بیٹھ جائیے سبھی لوگ. بیٹھے سمجھ دیا جائے ان لوگوں کو بیٹھیے. یہ طریقہ تو نہیں ہے نا سر. بہت ہے. میں صرف یہ جاننا چاہتا ہوں کیا اتنی بڑی گھٹنا کے لیے اتنی بڑی گھٹنا کے بعد کوئی جواب نہیں طے نہیں ہوگی؟ کہہ دیا جائے یہ کریں گے وہ کریں گے. بیٹھ جائیے. بات نہیں طے ہونی چاہیے یا نہیں بیٹھ جانا چاہتا ہوں. بیٹھے کس کی غلطی ہے؟ بیٹھ جائیے. اسپتال میں ڈاکٹر نہیں کس کی غلطی ہے؟ بیٹھ جائیے.